ह्यूमन कैरेक्टर्स मतलब आपके जीनोटिपिक कैरेक्टर्स फिनोटिपिक कैरेक्टर्स इन सब का ध्यान कौन रखता है? आप कहोगे क्रोमोसोम्स। एब्सोल्युटली राइट। राइट, तो क्रोमोसोम्स जो होती है वो होती है दो टाइप्स की, जिसके ऊपर निर्भर होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। अब ये दो टाइप्स कौन से होते हैं? ये दो टाइप्स होते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर्स और फिर सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। सो इन दोनों ही कैरेक्टर्स को हमें समझना होगा, इसीलिए स्टे ट्यून्ड। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस सेशन में, जहां पे हम बात करने वाले हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर्स के बारे में। इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑटोसोमल कैरेक्टर्स मतलब क्या और ये कहां से आते हैं, और फिर इसके दो टाइप्स कौन से हैं, मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होती है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कौन सी है, मतलब हमारे शरीर में हमारे सेल्स में होने वाले क्रोमोसोम्स किन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। पहला तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है। आप जानते हैं ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? बेसिकली हमारे पास होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल। अब इनमें से जो 22 पेयर्स होती है जो आप यहाँ पे देख रहे हो राइट, तो ये जो पूरे के पूरे 22 क्रोमोसोम्स है इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। अब ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स मतलब क्या? ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो हमारे सेक्स मतलब हमारी जेंडर को छोड़ के जितने ही सारे कैरेक्टर्स है उनको अगर वो ध्यान रख रहे हैं, उनका अगर वो ख्याल रख रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। अब 23rd जो पैर होती है वो आइदर XX होगी फीमेल्स में या तो फिर XY होगी मेल्स में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि हमारे जेंडर को डिटरमाइन करती है राइट। तो ये है हमारे क्रोमोसोम्स के टाइप, और इन्हीं के आधार पे हम ऑटोसोमल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि ऑटोसोमल कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऑटोसोमल कैरेक्टर्स आते हैं हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, मतलब कि हमारे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स से हमारे ऑटोसोमल कैरेक्टर्स आती है। अब इन ऑटोसोमल कैरेक्टर्स के भी दो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर और ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पे जो डोमिनेंट शब्द हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इस डोमिनेंस का मतलब कुछ ऐसा है कि ये जो जीन्स होते हैं वो खुद को दर्शाते हैं, ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं राइट। अगर ये जीन्स एक्सप्रेस करने वाले होंगे तो उन्हें हम कहते हैं डोमिनेंट जीन्स, जिसको हम अक्सर लिखते वक्त कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं राइट। और वैसे ही जो रिसेसिव टाइप है उसे हम क्या कहते हैं? रिसेसिव मतलब ऐसे जीन्स जो वहाँ पे मौजूद है लेकिन जो कि डोमिनेंट जीन्स वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन कर रहा है, तो ये जो रिसेसिव जीन होते हैं वो चुप रहते हैं, मतलब साइलेंट रहते हैं, वो अपने जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते राइट। तो ये हुए हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव। अब इन्हीं के आधार पे हम आगे की चीजें समझने वाले हैं, जैसे कि पहला है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब क्या? ऐसे कैरेक्टर या तो फिर ऐसे डिफेक्ट्स जो कि हमें पाए जाते हैं केवल और केवल डोमिनेंट जीन के म्यूटेशंस में, मतलब हमारे पास जितने भी 22 पेयर्स होती है उसमें हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी आती है, जो कि हमारे एक मदर से आती है और एक फादर से आती है। अब इन दोनों के बीच में एक जीन जो होता है वो डोमिनेंट मतलब खुद को एक्सप्रेस करता है और दूसरा जीन साइलेंट रहता है। तो अगर उस डोमिनेंट वाले क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तो उसे हम कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर या तो फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज राइट। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? अगर ऑटोसोमल कैरेक्टर है तो वो आने वाले हर एक पीढ़ी में मतलब हर एक इंडिविजुअल में वो दिखाई देगा राइट। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो देखो इस पेडिग्री में हमने दिखाया कि जो फीमेल है वो अफेक्टेड है क्योंकि उसका जो एच है राइट, हमने यहाँ पे दिखाया कैपिटल एच और स्मॉल एच। बेसिकली जो कैपिटल एच है वो दिखा रहा है कि ये अफेक्टेड फीमेल है, और इसके आने वाले हर एक पीढ़ी में जो आप देख रहे हो वहाँ पे इसका डोमिनेंस दिख रहा है, मतलब कि इसका जितना भी डिफेक्टिव ऑटोसोमल जीन है वो हर एक पीढ़ी में आपको दिखाई दे रहा है। अब
ऐसे स्थिति में अफेक्टेड मेल्स एंड फीमेल्स का इक्वल रेशो होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये फीमेल प्रोन डिसीज है या तो ये मेल प्रोन, ये केवल मेल्स में ज़्यादा दिखाई देगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही इनका रेशो बिल्कुल बराबर हो सकता है। तो अब यहाँ पे मेल्स और फीमेल दोनों की ही रेशो बिल्कुल एक बराबर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई फीमेल प्रोन डिसीज है या तो फिर ये मेल प्रोन डिसीज है। इनमें मेल और फीमेल का अफेक्टिंग रेशो बिल्कुल ही एक जैसा हो सकता है। कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसका एग्जाम्पल है द फेमस हंटिंगटन डिसीज। हंटिंगटन ऐसा डिसीज है जहाँ पे न्यूरो डिजनरेशन होता है, मतलब न्यूरल सेल्स का डिजनरेशन होता है काफी वक्त के बाद, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर डिसीज के सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, राइट? तो ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। किसका? ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज का। अब हम जाएंगे ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर की ओर, मतलब ऐसे कैरेक्टर या तो फिर ऐसे डिसीज जो कि रिसेसिव फॉर्म में ही आ सकते हैं। मतलब अगर इस कैरेक्टर को आना है तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? ऐसी कंडीशन में दोनों ही जीन्स कैसे होने चाहिए? रिसेसिव कंडीशन में होने चाहिए। मतलब कि ये डिसीज कब आएगा? अगर होमोजाइगस कंडीशन है तभी ये डिसीज दिखेगा, वरना अगर एक जीन भी यहाँ पे अच्छा है तो ये डिसीज दिखने वाला नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। अब इसमें क्या होता है? इसमें सारे ही मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे जो अफेक्टेड चाइल्ड्स है, राइट, इनके पेरेंट्स कैसे अनअफेक्टेड है। इनमें जो कैरेक्टर्स, ठीक है, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा जीन यहाँ पे म्यूटेटेड नहीं है। इनमें कैसी कंडीशन है? इनमें एक कैरियर वाली कंडीशन है, मतलब एक जीन अच्छा है और एक जीन में खराबी है, लेकिन जो अच्छा जीन है वो यहाँ पे उस सेल का, उस सिस्टम का ख्याल रख ले रहा है। इसीलिए ये जो पेरेंट्स है वो कैरियर है। लेकिन अगर दोनों ही पेरेंट्स कैरियर हो जाते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है? ऐसे स्थिति में इनके आने वाले पीढ़ी में, मतलब इनके आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में, ये दोनों ही क्रोमोसोम्स जो खराब है अगर एक बारी में चले जाए, मतलब दोनों ही रिसेसिव, दोनों ही म्यूटेटेड क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाए, तो ऐसे स्थिति में उनके बच्चों में ये डिसीज आने की संभावना हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से? बड़े ही कॉमन, जैसे कि हम देख रहे हैं अल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सारे डिसीजेस कैसे? ये सारे डिसीजेस ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप के डिसऑर्डर्स हैं। तो ये थे हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो इस सेशन को अगर हमें समराइज करना है तो हमने यहाँ पे क्या समझा? हमने यहाँ पे ये देखा कि ऑटोसोमल कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, मतलब हमारे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं। अब इनमें हमने दो अलग अलग टाइप्स देखे, जैसे कि हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर, जहाँ पे अगर कोई भी म्यूटेशन किसी भी डोमिनेंट टाइप के ऑटोसोमल जीन में आ जाए तो उसमें, उस पेशेंट में इसके सारे कैरेक्टर्स, इसके सारे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। और इसके लिए हमने एग्जांपल्स कौन से देखे थे? हमने देखे थे हंटिंगटन डिसीज, एक्रेडोरोप्लाजिया और टायलॉइड डिसीज, इसके एग्जांपल्स हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर्स के। अब दूसरा टाइप है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर। अब रिसेसिव कैरेक्टर मतलब ऐसे म्यूटेशंस जो कि रिसेसिव क्रोमोसोम्स पे होता है, मतलब पेरेंट्स में तो ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनके आने वाले ऑफस्प्रिंग में अगर दोनों ही कैरियर, पेरेंट्स से ये खराब जीन्स नेक्स्ट जनरेशन को चले जाए, तो उस जनरेशन में इस डिसीज का होना संभाविक है। मतलब ऐसे अफेक्टेड चाइल्ड को अक्सर कैरियर पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन से थे? इसके एग्जांपल्स थे एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसे डिसीजेस। होप आपको ये दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर्स समझ में आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बट स्टे ट्यून्ड।